नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। आज उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो चुकी है। इस पर हमारे संवाददाता विवेक शाही ने आम जनता से उनकी राय जानी है। क्या कुछ उनका कहना, आइए सुनाते हैं। इस समय हम अवध बस स्टेशन के पास खड़े हैं। यह रास्ता सही सबको जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ यहाँ जमा हो रही है, क्योंकि आवागमन में दिक्कत हो रही है। जो आम आदमी है उसको आवागमन में दिक्कत हो रही है। तो हम आज कुछ आम आदमियों से जानेंगे किस प्रकार से दिक्कतें उनको सामना करना पड़ रहा है, जिस प्रकार से आज ग्लोबल यूजर समिट जो है आज आयोजन होने वाला है। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएँ प्रशासन के द्वारा की गई है, लेकिन आम जनमानस को लगातार जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आवागमन में। अच्छा, कहाँ जाना है आपको? अंसर जाना है। कब से बैठे हैं आप? 20 मिनट हो गया। कोई सवारी गाड़ी आपको नहीं दिखी? अभी तो कोई गाड़ी नहीं है। 20 मिनट। आप कहाँ जाना है? छाती में। तो 20 मिनट से कोई गाड़ी नहीं है इधर? लगे तो हैं रिक्शा वगैरह। रास्ता बंद से दिक्कत हो रही है। आप छाती में हैं? कहाँ जाना है आपको? तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस प्रकार लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शहीद पथ पे रास्ता जाता है। ग्लोबल यूजर समिट का आज से आयोजन हो रहा है, तो आम जनमानस को यातायात की सुविधा के लिए थोड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा है। आवागमन में काफ़ी दिक्कत हो रही है। गाड़ी कब से नहीं मिली? कब से आप यहाँ पर? 2 घंटे से। आप 2 घंटे से खड़े हो, गाड़ी नहीं मिली? नहीं मिल रही है। किस काम के लिए कहाँ जाना है? हमें खाना बनाने जाना है। आपने उनको सूचना की जहाँ पे आपको जाना है? वो लोग ये कह रहे हैं हमको उनके घर पहुँचना है। आप लोगों ने उन लोगों को बताया कि यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? आप लोगों को क्या कर रही है? नहीं, अभी तो हमने नहीं बताया है। 2 घंटे से आपको गाड़ी यहाँ से नहीं मिली? नहीं मिल रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि तमाम लोग अपने अपने कामों के लिए अपने घरों से निकले हैं, इस रास्ते का रोज ही इस्तेमाल करते हैं, इस रास्ते से रोज ही जाते हैं। लेकिन आज VVIP मूवमेंट के चलते आईमा मोड़ पे यहाँ पे रोक दिया गया। लोगों को सवारियाँ गाड़ियाँ जो है उनको जो है रोक दिया गया है और ये गाड़ियाँ आगे नहीं बढ़ रही हैं। तमाम लोग सुबह 9 बजे से लेकर अब तक परेशान है, हलकान है। उनके लिए आवागमन की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है और अपने कामों को लेकर वो देरी से पहुँच रहे हैं। उसके जरूरी काम से लोगों को जहाँ पहुँचना था अब तक वो नहीं पहुँच पा रहे हैं। यहाँ पे अब हम यहाँ कुछ टेम्पो चालक से बात करेंगे कि कहाँ तक रास्ता बंद हुआ है जिससे लोगों की आवागमन में दिक्कत हो रही है। कहाँ तक रास्ता बंद हुआ? आई एम मऊ से रास्ता बंद हुआ। और आपकी सवारियाँ कहाँ तक आप पढ़ते हैं, कहाँ तक जाते हैं? उतरेटिया तक आप जाते हैं? तो कुछ बताया है प्रशासन लोगों ने कब से जो है आवागमन का रास्ता खुल जाएगा पूरा? नहीं सर, VIP की वजह से। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि VIP की वजह से जो है आवागमन में काफ़ी दिक्कत हो रही है और आम जनमानस को जो है वो कष्ट उठाना पड़ रहा है। कुछ लोग यहाँ सुबह 9 बजे से हैं लेकिन उनको गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, सवारी गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि आईमा मऊ जो चौक है वहाँ से बंद कर दिया गया आवागमन और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ इस समय काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे भीड़ लगनी शुरू हो चुकी है और यात्रियों को जो आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ विवेक शाह। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।